नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कोरोना संक्रमण से जूझ रही दिल्ली के लिए मंगलवार राहत भरा रहा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना के केस अब कम हो रहे हैं, हालात अब काबू में हैं, लोगों के सहयोग से लॉकडाउन सफल रहा। हमने पिछले दिनों में ऑक्सीजन के बहुत बेड बढ़ाए हैं, अब दिल्ली में आईसीयू और ऑक्सीजन बेड की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि हम वैक्सीन की रोज 125,000 डोज लगा रहे हैं, हम जल्द ही रोज 300,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाना शुरू कर देंगे। हमारा लक्ष्य आने वाला 3 महीने में सभी दिल्ली वालों को वैक्सीन लगाना है, लेकिन हमारे सामने वैक्सीन की कमी की समस्या आ रही है। केजरीवाल द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा बोला गया था कि दिल्ली में हमारे पास अब कुछ दिन की वैक्सीन बची है और यह समस्या देशव्यापी है। आज केवल 2 कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं और दोनों मिलकर महीने में केवल 6-7 करोड़ वैक्सीन बनाती हैं। इस तरह तो देश के हर व्यक्ति को वैक्सीन लगने में हमें 2 साल से ज़्यादा लग जाएंगे। जब तक हर भारतीय को वैक्सीन नहीं लगती, ये जंग नहीं जीती जा सकती है। मैं आज एक सुझाव देना चाहता हूँ, वैक्सीन बनाने का काम केवल 2 कंपनियां ना करें, कई कंपनियों को वैक्सीन बनाने में लगाया जाए। दिल्ली में कुल मिलाकर 1.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगानी है तो 3 करोड़ डोज चाहिए। अभी तक हमें कुल मिलाकर 40 लाख वैक्सीन ही मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।